ये कहानी है एक स्वाभिमानी लड़की की, जिसका नाम है सिया। बच्चों, इसमें से पानी बाहर गिर रहा है क्या? नो सर। अगर मैं इस ढक्कन को खोल दूं तो पानी बाहर गिर रहा है? अभी जो पानी बाहर गिर रहा है उसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस ढक्कन को मैं जैसे बंद कर देता हूँ, देखो पानी बंद हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो पानी बाहर जाएगा। बच्चों, अगर कैटरीना ऊपर से सलमान की तरफ देखेगी तो क्या बोलेगा? और भिखारी पाकिस्तान नीचे से मोदी की तरफ देगा, बोलेगा दो पांच रुपया दे दो, तब क्या बोलेगा? बेटा, जिस तरह से तुम पढ़ रहे हो ना, आगे चल के या तो रिक्शा चलाओगे या तो पानी पूरी बेचोगे। दुबे सर सिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उन्हें स्कूल से उसकी फाइल मिलती है। उसे लेकर प्रिंसिपल के पास जाते हैं। मैं तो ये लड़की के पास जाते हुए ये ज्यादा तो नहीं पता इसके बारे में, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं जानने की कोशिश की थी लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको आगे पढ़ाने में हेल्प करूँ तो कैसा रहेगा? आपका विचार तो बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक होकर आप मुझे बताइएगा। नेक काम में आपके किसी भी काम आ सकती, तो मेरा सौभाग्य है। प्रिंसिपल मैडम उनको अदिति मिस से बात करने के लिए बोलती है। दुबे सर अदिति मिस के पास जाते हैं। अदिति मिस उनको उसके बारे में बताती है। दुबे सर मिस से सिया को स्कूल में बुलाने के लिए कहते हैं। सिया स्कूल में मिलने आती है। सिया, मैं तुम्हें बोर्ड पे दोबारा बेसिकली नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें पढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी पढ़ने में इतनी अच्छी हो, 95% लाया तुमने, तुम आगे और पढ़ो, आगे पढ़ो। तुम पढ़ना नहीं चाहती क्या? सॉरी ना सर, अपनी अपनी किस्मत की बात होती है बेटा। पढ़ाई का किस्मत से क्या लेना देना है? तुम इतनी अच्छी हो पढ़ने के लिए, अच्छा रो क्यों रही हो? तो रो मत, ये लो पानी, रो मत बाबा, पानी पीजिए बाबा, रो मत बेटा। क्या हो गया बताओ, प्रॉब्लम क्या हो गया बताओ? सर, कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी और पापा दोनों की डेथ हो गई थी, और अब मेरे भाई और बहन दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो फिर काम कौन करेगा? पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं सर, नहीं सर, बड़ी मुश्किल से तो हम तीनों को कुछ खाने को मिलता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता है। ये बात नहीं, अच्छा एक चीज मुझे और बताओ। मुझे पता चला तुम्हारे किससे कि जब ये सब हुआ उसके बाद तुम लोग गाँव गए, दो साल वहाँ पे रहे, फिर वापस क्यों आ गए? सर, जब मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मेरे सारे रिलेटिव्स, मुझे, मेरे भाई और मेरे बहन, हम तीनों को गाँव लेके चले गए। एक साल वो हम लोग से एकदम अच्छे से बिहेव करते थे, लेकिन जब मेरे पापा की सभी प्रॉपर्टी उनके नाम हो गई, सभी प्रॉपर्टी उन लोग ने बेच दी, उन लोग के अकाउंट में जब पैसे आ गए, वो मेरे भाई और बहन को मारने लगे, हमें टॉर्चर करने लगे, तो मुझे देखा नहीं गया कि मैं मेरे भाई और बहन दोनों को यहाँ लेके आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे कहाँ रहते हो? सर, वो मेरे पापा के ड्राइवर हैं, उन्होंने हमें घर दिया, वो गांव में रहते हैं। उन्होंने बोला जब तक तुम्हें यहाँ रहना है तुम रह सकते हो, इसलिए मैं भी उनके घर में रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, क्या तुम नहीं पढ़ना चाहती? लेकिन सर,
मैं भले नहीं पढ़ पाई पर मैं मेरे भाई और बहन दोनों को पढ़ाऊंगी, बहुत बड़ा बनाऊंगी। जो सपने मम्मी पापा ने मेरे लिए देखे थे मैं उन दोनों से पूरे कराऊंगी। अरे जा 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 दूसरे से मार। अरे कीजिए तू जाए जल्दी। आई मेरे पास दूध आने को। नहीं जा 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 कुछ नहीं। अरे कुछ तो कहते हो। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे घर पे कुछ नहीं है, बस भूख लगी है। तो क्या भीख मांगेगी? मम्मी पापा नहीं है तो क्या मैं मर गई हूँ? सॉरी चल मेरे साथ। भैया दो समोसा पाव दे दो। ये ले एक तू खा और भाई के लिए ले जा। और दीदी आप? मैंने खाया। मुझे पता है आपने नहीं खाया। ठीक है प्रॉमिस कर अगली बार ऐसा नहीं होगा। प्रॉमिस दीदी अगली बार ऐसा नहीं होगा। सॉरी दीदी। बार बार बुलाने की कोशिश करते हैं। सिया गुस्से में दुबे सर को वापस मिलने आती है। एक बार आपको मना किया ना कि मुझे नहीं पढ़ना तो बार बार आप सबके सामने मेरा मजाक क्यों बना रहे हैं? मैं रोज रोज नहीं आ सकती काम छोड़ के। कोई बात नहीं बैठो बैठो दो मिनट के लिए बैठो बस थोड़ा सा काम करो दो मिनट का काम। अच्छा मुझे आप बताइए कि आप जो सुबह से लेकर शाम तक बैलून बेचते हो तो तुमको दिन का कितना रुपए मिल जाते हैं? सर वैसे मुझे कुछ काम है इसलिए पूछ रहा हूँ। सर कभी कभी 200-150 वरना तो कभी कभार वो भी नहीं मिलते। अगर कैसा रहेगा कि मैं तुमको दे देगा 100 रुपए? नहीं सर मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मेरे मम्मी और पापा ने सिखाया है कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा अपना होता है और मुझे भीख भीख नहीं दे रहा हूँ बेटा। भीख मत समझे। जो पैसे मैं आपको दूंगा ना उसके बदले में आपको एक काम करना पड़ेगा वो भी बड़ी मेहनत लगन ईमानदारी के साथ। कर पाओगी? ठीक है सर लेकिन काम क्या होगा? काम जो ज्यादा सोचो मत। आप तुमको रोड पे गुब्बारे नहीं बेचना। मैं तुम्हें डेली का 100 रुपया दूंगा। अब वो समय आ चुका है कि जो सपना तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए देखा था उसको पूरा करना अब तुम्हारे हाथ में। तुम उससे वादा करो कि पूरे लगन और मेहनत के साथ में पढ़ोगी तो वादा करो। ठीक है सर लेकिन बाकी खर्चे जैसे फीस और किताबें वो सब अपन छोड़ दो। वो मैं देख लूंगा बाकी का खर्चा मैं देख लूंगा। तुम सिर्फ मुझसे ये वादा करो कि तुम जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा करोगे अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ। तुम लोग कुछ खाना है? हाँ, और भूख लगी है।
मुझे कुछ अच्छा सा बनाना है। पास्ता खाओगे? हाँ। नहीं, जो बने वही खाओ। बच्चे लोगों, ये है रेडियो और ये है हमारा डायरियो। तुमने सुनेगा क्या, आप गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और लोग पैसा भी लेते हैं, आप उनको भी इसके तरह पढ़ने का है क्या? सर, पढ़ने के लिए कुछ आता है? आप उनको तो पढ़ना तो नहीं, लिखना। अच्छा ठीक है, लिख के दिखाई जा। क्या लिखा है आपने? तुमने बोला ना आप उनको पढ़ना नहीं आता, लिखना आता है। अब चल तू बता दे। सुनो ना मामू, इसको कुछ नहीं आता, आप उनको तो पोएम भी आता है, बोले तो बोल के बताओ। तू पीछे हट, आप बोलता है छोड़ना बस। मैं बोलता है कि मैं एक गाना बहुत तुझे बताऊंगा। आप बोला तू मेरी ले ला बोलते जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ ही लगता है यार। बहुत अच्छा, अभी आप लोग जाओ, कल आओ, कल मैं कुछ सोचता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? तो इसको 3 मार्क्स मिले हैं, ये फेल हुई है, इसको भी 2 मार्क्स मिले हैं। तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ोगे नहीं तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट के लोग स्कॉलरशिप लेके आते हैं। बच्चों ये क्या है पता है? सिया इस तरह से पढ़ रही है ना, उसको स्कॉलरशिप मिल रही है। हम पढ़ने के लिए बाहर गाँव गए। सच में सर, थैंक यू सर। बेटा जरा डंडा पकड़ो तो। मैडम वो सर का साइन था, वो मैंने करा लिया इधर, अब तो मेरा पेंशन मिल जाएगा ना। हाँ सब साइन करा लिया। आपके फाइल में 8 भी नहीं है, आप काउंटर नंबर 10 पे जाइए, आपको वहां से मिल जाएगा। हाँ काउंटर नंबर 10 बाकी सब सही है। हाँ बाकी सब सही। ला बेटा शरीर ले, कहाँ है बस सीधा जाऊँ। हाँ देखा नाटक हो गया है लोगों का, ये फाइल नहीं, उस पे साइन नहीं, वो मैडम नहीं, ये लो मैडम ये देखो सब साइन है और सब फॉर्म है। बिटिया परेशान मत करो, हमारा पेंशन करवा। फाइल तो सब सही है, बस काम आपका अभी नहीं होगा, उस सर यहाँ नहीं है। तो कब आएंगे वो सर? उनका ट्रांसफर हो गया है, अभी जो नए सर आने वाले उनका फिक्स टाइम पता नहीं है हमें। तो किसको पता रहेगा? मुझे नहीं पता। तो काम काहे करते हैं यहाँ पे? हम अपना काम करते हैं। ये ऑफिस खोल के बैठे हैं, देखो 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। बीपी का पेशेंट हूँ मैं, और 6 महीने से दौड़ा रही भाई साहब, पैसा नहीं दे रहे, बताओ। तू लोग तला बंद कर दो यहाँ। काम नहीं है यहाँ, सिर्फ
करने के लिए, बहुत काम है हमें। देखो कैसे चिल्ला रही है, गरीब आदमी का तुम लोग पैसा खा जाओगे। काम करवाना है ना, तो शांति से बैठिए, सर आएंगे तो आपको बताएंगे। छह महीने से शांति से बैठा हूँ, कोई फरियाद नहीं सुन रहा हमारी, टीचर रह चुके हैं हम, बच्चों को पढ़ाते थे। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, पैसा दे दो भैया। बोला ना सर जब आएंगे तब तो आपका काम होगा। फांसी लगा के आदमी मर जाए, इधर पैसा नहीं दे रहा। देखो भाई साहब, उससे मुझे मतलब नहीं है सर, सर जब आएंगे तब आपका एक काम होगा, ले जाइए। मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा बैठ जाइए यहाँ पर, परेशान मत करिए, मैं कल आता हूँ। गरीबों को समझ ही नहीं रहा है, पतली बोला है ना काम आपका हो जाएगा, दिल्ली दिल्ली का परेशान करते रहते हो। आज जब तक पैसा नहीं मिलेगा मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से, नहीं होगा काम, समझते नहीं हो तुम लोग कुछ। चल बुढ़े निकल से यहाँ से, बात करने का कमीज नहीं है। नहीं है। अच्छा वो अंकल कौन है? वो बुढ़ा रो रहा है, परेशान करता है, उसको बोला गया कि मैं सब आएंगे तो आने के लिए, लेकिन रोज आएगा रोज सबको परेशान करेगा। ठीक है उनको केबिन में लेके आजो। चलिए सर आपको मैडम ने बुलाया। क्या है मैडम? मैडम क्या? मैडम क्या सर? सर मुझे रख दिया। चलिए तो मैडम ने बुलाया आपको। बाय सर। मैडम कैसे लोग काम करते हैं इधर। क्या प्रॉब्लम सर? मैडम ये फाइल देख लो, छह महीने से दौड़ा रहे आप लोग। हाँ ओ मैडम मेरे को गाली देती है, बात करने का तमीज नहीं है उनको, सोमवार मंगलवार अभी आओ कभी आओ, साइन नहीं है तेरा, पेंशन का करा दो मैडम। ठीक है सर, तो आज सोमवार है, आप गुरुवार को आइए, मैं आपको काम करा दूँ। और तुम लोग का यही नाटक है, गाली देती है चिल्लाती है, और तुम सोमवार मंगलवार तुम लोग पैसा नहीं दोगे, तुम लोग मेरा पैसा खा चुके हो, मेरा फाइल दे दो। मेरे पास है दीजिए। नहीं मेरा फाइल ले ली, सब परेशान करके रख दिए, सब पैसा खा गया मेरा। हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। गुरुवार को ना, गुरुवार ना आता हूँ मैं। आई सर आई। रेडी हो गया है हमारा, उसको देखते हैं, उसे पूछते हैं। अरे बेटी क्यों रो रही है तुम? आप रो क्यों रही है? बैठो बेटी सुन तो मेरा, छह महीने का काम दो दिन में कर दिया, काहे रो रही है बेटी? मैं सिया हूँ, अपनी पहचान ले। सिया सिया अफसर बन गए बिटिया, ये
प्रिया बहुत खुश हुए हम बेटा। हमारा जीवन सफल हुआ बेटिया। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, अब वो हम पे निर्भर करता है कि उसका लाभ कैसे लें या ना लें। जैसे सिया को दूसरा मौका मिला, अब वो कामयाब हुई, अब आपकी बारी है।